क्या काम हो चुका है मतदान को लेकर? मुझे तो यही करना है कि मैं स्वच्छता स्वच्छता करती हूँ, मोदी सर भी स्वच्छता स्वच्छता करते हैं। स्वच्छता में एक जना कोई वो नहीं कर सकता। मैं छोटे से छोटे 5 साल के बच्चे से भी निवेदन करती हूँ कि प्लीज अपने आसपास सफाई रखें और पूरे बीकानेर को एक स्वच्छ सुंदर बीकानेर बनाए। आपका मोहल्ला सुंदर होगा, आपका बीकानेर सुंदर लगेगा। जो कुछ भी है उसमें अपना पूरा योगदान दीजिए, सब मिलकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। पूजा देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे यंग युवा मेयर जो है मेरे साथ है और 43 वोट 80 में से जो इन्हें मिले, क्या कहेंगे, कितनी खुशी? जी जी, बहुत खुशी हो रही है। थोड़ी टेंशन थी शुरुआत में, लेकिन जब सर बाहर आके विजय भाई साहब ने बताया कि हम जीत चुके हैं तो बहुत खुशी हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक सबसे युवा चेहरे के तौर पर पूरे राजस्थान में आप सामने आई, क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी और क्या कुछ आप लोगों ने घोषणा की थी और उस पर काम करेंगी? जी जी जी, ये नहीं है कि हमने सिर्फ वादे किए, अब उन वादों को पूरा करने का टाइम आ गया है। जब हमको वोट हमारा बीजेपी का है तो अब देखिए बीकानेर में कार्य योजना भी बनाई होगी, अभी वो सब बाद में डिस्कस करें। लेकिन 38 आपके जो पार्षद थे उसके बाद 5 पार्षदों ने और समर्थन दिया निर्दलियों ने, किस तरह से देखती हैं इसे? जी जी, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने समर्थन दिया, मैं उनका सबका धन्यवाद भी करती हूँ। और हमें अभी खुशी से वोट बनने की हो रही है, उनको भी मिले 37, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको ही मिले। निर्दलियों ने अपने हिसाब से जो अपना मत सही लगा वो किया है और बाकी तो जीत हमारी है, बोर्ड हमारा बना है। जीत को लेकर आप किसे अपना श्रेय देंगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी आपके साथ कैंपेन में रहे या तमाम चीजों में साथ रहे, किसे देंगी, किस तरह? देखिए, जीत का श्रेय देने के लिए अगर आप मुझे कहते हो तो मैं पूरे बीजेपी की पार्टी संगठन सबको देती हूँ। और सर अर्जुन राम जी मेघवाल सर है, गोदारा सर है, टीटी सर है और सत्यप्रकाश आचार्य जी सर है, सबने हमारा बहुत साथ दिया, हर रोज हमें नया पाठ पढ़ाया है कैसे करना है क्या करना है। फिर मैं अपने परिवार के समस्त लोगों को कहती हूँ कि वो मेरी बैकबोन है, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। फिर मेरे पार्षदगण है, सबने मुझे मेरे पे विश्वास दिखाया, एकजुट होकर वोटिंग की। और उसके बाद मैं अपने वार्ड नंबर 14 के सभी वार्डवासियों को। एक आखिरी सवाल मेरा, बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए बीकानेर में बीजेपी का बोर्ड बना है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक चुनौती जो है वो रहने वाली है, किस तरह? सर आपको लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आप भी फिर ये आप बात स्टेट लेवल पे भी करोगे कि सेंटर में बीजेपी है, तो ये नहीं होता, ये एक सिस्टम है, एक न एक पार्टी विन जीतेगी और दूसरी हारेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी विकास रुकेगा, विकास चलता रहेगा। कोई मॉडल तैयार किया है शहर के लिए? अभी सर बताते जी, बिल्कुल। देखिए पूजा, ये थी सुशीला कंवर, अभी अभी जो खबर है, सबसे पहले जी मीडिया पे हम लोगों ने एक्सक्लूसिव बातचीत की उनसे और साफ कहना है कि शहर के लिए काम करेंगी, गली गली के लिए और आम लोगों के लिए काम करेंगी। तो कुल मिलाकर 80 जो पार्षद जो चुनकर आए थे, जिसमें 11 निर्दलीय थे, एक बसपा से थे और 38 जो थे वो बीजेपी से थे। तो कहीं ना कहीं अब आंकड़ा जो है निर्दलियों के सपोर्ट के जरिए 43 जो है वो बीजेपी को मिला है और बाकी जो है वो कांग्रेस के पास है, यानी बीकानेर में बीजेपी का यहां पर बोर्ड बन गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस जो है दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। हालांकि चुनाव जो है वो बड़े दो दिग्गजों के बीच में था। पूजा, मैं आपको जिक्र कर दूं, लगातार हम कह रहे हैं कि यहां पर जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल है वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर थे और उसी का नतीजा है कि यहां पर मैंडेट जो है वो बीजेपी को मिला है। तो कहीं ना कहीं आज की ये सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले जी मीडिया पर जिस तरह से हम लोगों ने दर्शकों को बताया कि जो काउंटिंग चल रही थी उसमें बीजेपी लगातार आगे थी और आज बीकानेर क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर यहां थे और सबसे ज्यादा सीटें, यानी कि 90 सीटें यहां